डॉक्टरों का भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलेब सेंटर अब आपके नगर देवरी में भी समस्त छोटी बड़ी जांचों का एकमात्र मान्यता प्राप्त सेंटर। हमारा पता है पोस्ट ऑफिस के पास, देवरी, जिला सागर। मध्य प्रदेश में अब मासूम बच्चियां महफूज नहीं हैं। आलम यह है कि हर दिन हवस के दरिंदे इन मासूमों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, बल्कि उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा गांव से सामने आया है। यहां 17 साल की नाबालिग किशोरी के साथ तीन आरोपियों ने पहले तो बारी बारी से उसके साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर सबको कुएं में फेंक दिया। यह आरोप नाबालिग के परिजनों ने गाँव के ही तीन युवकों पर लगाए हैं। बताया जा रहा है कि छतरपुर के बमीठा गांव में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग बीती मंगलवार की रात घर से लापता हो गई थी, जिसका शव बीते दिन गांव के ही पास बने कुएं में तैरता हुआ मिला। नाबालिग के माता पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और नाबालिग अपने दादा दादी के साथ रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों का कहना है कि गाँव के ही तीन युवकों ने उसकी मासूम बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर सबको कुएं में फेंक दिया। घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कुएं से बाहर निकालते हुए पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियां महफूज नहीं हैं। हवस के दरिंदे ना सिर्फ इन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, बल्कि उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। रवि, अमन और गुड्डू और रवि के तीन चार दोस्त थे हॉस्टल के, ठीक है। इन्हें अकेले में बुला के और लड़की को 6-7 लोग घर ले जाके उसने मारा, जो कुछ भी किया, सारा कुछ किया और मार के कुगा में फेंक गए। कितने लोग थे पता नहीं साहब, कितने लोग थे, हम तो बाहर थे। क्या हुआ है बता सकती हूँ कुछ? ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।